दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय नारियों में जितनी शक्ति है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय बहनों में जितनी ताकत है, वो दुनिया के किसी भी नारियों में, महिलाओं में इतनी ज्यादा असीम शक्ति नहीं है। जब आपकी शक्ति का आह्वान किया जाता है, जब आपके सत्यत्व का आह्वान किया जाता है, जब आपके सत्यत्व का परिचय लिया जाता है, आपके सत्यत्व के बारे में पूछा जाता है, तब आप क्या करते हैं? तब आप माता सीता बन जाती हैं और अग्नि में कूद कर जाती हैं और बता देती हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को और दुनिया और समाज को कि मैं पवित्र हूँ। मैं किसी भी तरह से, मैंने जीवन भर जब भी मैं रही हूँ, विपत्ति में भी रही हूँ, दुख में भी रही हूँ, कष्ट में भी रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ही देखा है और किसी को नहीं देखा है। जब आपको और ललकार दी जाती है, जब आपका अपमान होता है, जब आप अपमानित किए जाते हैं, आपके पति को अपमान किया जाता है, तब आप माता सती बन जाती हैं और सती बनकर अग्नि में प्रज्वलित हो जाती हैं, अग्नि में भस्म हो जाती हैं और फिर कठोर तपस्या करके पार्वती माता का रूप लेती हैं और फिर भगवान शिव को वरण करती हैं, भगवान शिव को पति के रूप में आप स्थापित करती हैं, पति के रूप में मानती हैं। ये आपकी शक्ति है, ये आपकी ताकत है। जब आपकी और परीक्षा ली जाती है, तब अगर आपके पति को छीन लिया जाता है, तब आप सती सावित्री बन जाती हैं, यमराज को भी ललकार देती हैं आप और कहती हैं कि तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है, तुम्हारे अंदर अगर ताकत है, तो मेरे पति को लेकर जाकर दिखाओ। मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ कि अगर तुम मेरे पति को लेके गए, तो मैं सृष्टि को तहस नहस कर दूंगी। और वहीं तपस्या करने के लिए सावित्री बैठ जाती है। सारे देवता हिल जाते हैं कि ये तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, कौन धरती पर ऐसी सती है जो तपस्या कर रही है, जो पूजन कर रही है, और उसे बचाने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए सारे देवता आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पति को छोड़ दिया, तुम सृष्टि का विनाश मत करो, रोको, ये तुम्हारे अंदर शक्ति है। अगर इस शक्ति को तुमने पहचान लिया ना, तो फिर तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। जब इस देश और धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए रक्षा की बात आई, देश को जरूरत पड़ी आपकी, देश को आपके लिए आवश्यकता पड़ी, ऐसे समय पे जहाँ पर पर्दा प्रथा था, जहाँ पर बहनों को निकलना नहीं होता था, जहाँ पर बेटियों को निकलना नहीं होता था, वहाँ पर आप लोगों ने, आपने दो तलवारें हाथों में उठाई और रानी दुर्गावती बन गई, और रानी दुर्गावती बनकर दुश्मनों के ऊपर चिंगारी की तरह टूट पड़ी, चिंगारी की तरह दौड़ पड़ी और दुश्मनों को तहस नहस कर दिया, तबाही कर दी। जब आपकी अस्मिता पर, इज्जत पे आँच आने की स्थिति लगी, तो यही रानी दुर्गावती ने अपने आप में खंजर निकाला और अपने आप को समाप्त कर लिया, अपने जीवन को समाप्त कर लिया, क्योंकि उन्हें अस्मिता और इज्जत का डर था। पद्मिनी बनकर आपने जौहर प्रथा दिखाने का काम किया है। जब बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े ताकतवर शक्तिशाली लोग जब अंग्रेजों के सामने नाक रगड़ रहे थे, अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हो रहे थे, अंग्रेजों के सामने झुककर उनकी गुलामी और दासता को वो स्वीकार कर रहे थे, ऐसे समय पर तलवार उठाकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई निकल पड़ी और उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं कुछ भी नहीं चाहती, लेकिन अपनी झांसी को नहीं देने दूंगी। छोटे बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पर बुलाया, बिठाया और युद्ध के लिए निकल पड़ी और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया। जिस जगह पर, जिस समय पर सारे अगर बड़े राजा एकजुट हो जाते, तो झांसी की रानी के साथ जो है भारत हुए, जो अंग्रेजों को भगाने का काम था, वो अंग्रेजों को भगाया जा सकता था। लेकिन एक नारी ने उसे विजय प्राप्त करने का, अपनी वीरता और साहस दिखाने का काम किया। ये आपके जीवन की शक्ति और ताकत है। बच्चों, बहनों और बेटियों, अगर जीवन में आपने अपने अंदर की ये ताकत जगा ली ना, आप झांसी की रानी बन गई, आप माता सीता बन गई, आप सती बन गई, आप रानी दुर्गावती बन गई, आप रानी हाड़ा बन गई, तो फिर आप जो है दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतवर महिला बन जाएंगी। और हर इंसान के अंदर, हर लड़कियों के अंदर ये बैठी हुई हैं, बस उसे जगाने की कोशिश करनी है, बस उसे आपको बाहर निकालने की कोशिश करनी है, बस केवल आप अपनी शक्ति और ताकत को पहचानने की कोशिश करनी है।